बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूवर्स आप? व्यूवर्स, आज मैं आपको बीफ चॉप्स मसाला की रेसिपी शेयर कर रही हूँ आपके साथ, और बहुत डिलीशियस बनेगी और बहुत बहुत इजी तरीके से है। ये बीफ चॉप्स जो हैं, हम ये तकरीबन 1 टीस्पून हल्दी है, 1 टीस्पून लाल मिर्च और 1 टेबल स्पून नमक है, और 10 से 12 काली मिर्चे लिए हैं, तकरीबन 1 टीस्पून जीरा और 2 बड़ी इलायची हैं, और ये लौंग लिए मैंने 3 से 4, और ये छोटा टुकड़ा एक तक उसका दालचीनी का लिया हमने। अब मैं ये 4 हरी मिर्चें थी काट ली है, और अब मैं ये इसको ग्राइंड करूँगी, हरी मिर्चें, लहसुन और अदरक की पेस्ट बनाऊँगी। जी व्यूवर, ये मैंने पेस्ट बना ली है हरी मिर्च अदरक और लहसुन की। अब मैं ये व्यूवर्स, ये मैंने अदरक लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट बना लिया है, और मैं ये इसमें सारा ऐड करूँगी। थ्री टेबल स्पून मैं इसमें दही के 3 से 4 चम्मच ऐड कर रही हूँ। ये 2 लीमू का लेमन जूस मैंने निकाला था, तकरीबन हम इसे आधा घंटा मैरिनेट करेंगे। ये फोर्क की हेल्प से हम इसको अच्छी तरीके से, तकरीबन इसकी मैरिनेशन के दौरान आप इसे फोर्क से ऐसे छोटे रखते हैं, तकरीबन इसे फ्रिज में रखते हैं आप अच्छे तरीके से मिक्स करके। जी व्यूवर्स, आधा घंटा गुजर चुका है, और ये मैंने फ्लेम ऑन करके इसके ऑयल रखा हुआ है गर्म होने। अब इस गर्म ऑयल में मैं ये गर्म मसाला ऐड करूँगी। व्यूवर, की जो प्याज मैंने ब्राउन किया हुआ था, ये अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ये तकरीबन 3 मीडियम प्याज थे, और ये ब्राउन होते ये इस फॉर्म में है, अभी इसमें ऐड कर रही हूँ। तकरीबन वेट इसको लगाऊंगी तकरीबन 20 अब मैं इसको मिसल लगाऊंगी, तकरीबन 20 से 25 मिनट का ड्यूरेशन होगा, फिर मैं देखता हूँ। जी व्यूवर, ये मेरा ये देखेंगे बीफ चॉप्स गल चुकी हैं। अब मैं इसे मैंने आयरन की कढ़ाई ली है, क्योंकि आयरन की कढ़ाई में ज़रा लुक डिफरेंट अच्छी आती है, रेस्टोरेंट लुक आती है। तो अब मैं ये इसमें ऐड जी व्यूवर्स, ये मैं ओपन कर देती हूँ कढ़ाई। अब आप ये देखें, ये इसकी योगर्ट ऐड करने के बाद इसकी भुनाई हो चुकी है। अब मैं इसमें गर्म मसाला पाउडर यूज़ कर रही हूँ, ये
डाल रही हूँ। ये ब्लैक पेपर, आप इसी में सर्व करेंगे तो जायका दुबला हो जाएगा, क्योंकि ये जी बस इन्हीं से गार्निश करें। जी व्यूवर्स, हमारी बीफ चॉप कढ़ाई रेडी है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलिएगा। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।